अस्सलाम वालेकुम, केमन आछो, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदीद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज ट्रिप विद खान हबीबी। तो बहुत टाइम हो गया हमने व्लॉग नहीं डाले भाई, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, एक महीना हो गया ऑलमोस्ट क्यों, एक महीना हो गया। तो आज का जो ये वीडियो है, दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, ये कोई व्लॉग वगैरह नहीं है, बस मैंने रिसेंटली अपना उमरा कवर किया, फर्स्ट टाइम मैंने अपना उमरा कवर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फर्स्ट उमरा हो गया। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो चीज़ मैंने की, जो चीज़ मुझे लगी कि यार नेक्स्ट टाइम पे ये चीज़ मुझे ध्यान देनी चाहिए थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट मेरा उमरा के लिए मैंने ट्राई किया था, लगभग 1.5 साल से मैं ट्राई कर रहा था, जब मैं कुवैत आ रहा था ना, तो मेरे फर्स्ट बकेट लिस्ट में ना वही था कि भाई जल्द से जल्द उमरा ख़त्म करने का, पहला उमरा ख़त्म करने का है, उसके बाद ही कुछ और अपन करेंगे, ठीक है। तो मेरा भी रिसेंटली नाम लगा, May 9th को मैं यहाँ से टेक ऑफ किया, फ्लाइट से हम गए थे अलजजीरा से, ठीक है, अलजजीरा हमने फर्स्ट, हमने यहाँ से निकले, हम 12 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो हम निकल गए 9 बजे एयरपोर्ट पे, हम पहुँच गए थे वहाँ पे, मैंने फ़र्स्ट टाइम अहराम बांधा, तो अहराम के जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं मैं ऐसे डाल दूँगा, ठीक है। दूसरी उसके बाद हम निकले एयरपोर्ट पे, हमने मुझे एक वहाँ पे एक मेरा कन्फ्यूजन था, फर्स्ट टाइम मेरा भी था, मुझे भी आइडिया नहीं था। तो सीन क्या हुआ कि मुझे लगा जद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद तुरंत थोड़ी ही दूरी पे हमें हरम मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, बट ये ऐसा नहीं था यार, जद्दा एयरपोर्ट से हरम 1.5 घंटे का रास्ता था। वो वहाँ पे टैक्सी वैक्सी का इंतज़ाम होता है, आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो वहाँ पे टैक्सीज वगैरह आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ से आ रहे हो, तो आप लोग के लिए एक छोटी सी टिप है कि आप कोई हिंदी बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले आदमी से आप इंटरेक्ट करो, वहाँ पे उनसे डील करो, क्योंकि सऊदी वालों से आप करेंगे लैंग्वेज कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन होंगे, तो आपको वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो आप थोड़ा रुको इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, जो आप जो लोग हिंदी वहाँ पे बोलते हैं, उन उर्दू बोलते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट ये करो, कम्युनिकेट करो, उनके साथ डील करो। हम लोग को जो है जद्दा एयरपोर्ट से लेकर के, हम 4 लोग थे, मैं अरबाज, एक शाहू और एक कोई दोस्त थे हमारे, तो हम 4 जन थे, चारों को जद्दा एयरपोर्ट से लेकर के आप यहाँ पे जाओगे हरम तक, हमारे होटल तक, हमारा होटल था दारुल ईमान रॉयल होटल हमारा था, वो जस्ट हरम में गेट है अंदर जाने के लिए, 79 गेट नंबर, उससे एग्जैक्ट सामने ही हमारा होटल था। तो उन्होंने वहाँ पे उतारे, वहाँ से वहाँ तक का जद्दा एयरपोर्ट से ले करके अपने होटल तक का हम लोग को 180 रियाल, ओ भाई साहब 180 रियाल, ठीक है। हम लोग को लगा था कि भाई कुछ होगा इंतजाम, छोटे मोटे दूरी होगा, तो बहुत ज़्यादा निकला यार 180। फिर हमने जा करके अहराम पहना हुआ था मैंने, और हम डायरेक्टली जा सकते थे हरम में, हम एंट्री कर सकते थे, बैग्स रख करके हम डायरेक्टली हरम में एंट्री कर सकते थे, बट है ना कैसा होता है ना कि आपका मन भी मानना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका मन मानना चाहिए। तो मेरा मन ऐसा माना नहीं कि मैं डायरेक्टली हरम चले जाऊँ, तो मैंने एक डिसीज़न वहाँ पर ये लिया कि मैं हरम नहीं गया, मैं होटल से चला गया मस्जिद अल आयशा, ठीक है। आपको जो अभी क्लिप्स दिख रही होगी ना, ये क्लिप्स जो है मेरे सेकेंड उम्रा की जब मैंने पूरे बाल निकाल दिया था अपने, ठीक है। तो फर्स्ट उम्रा में मैंने ये सब रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं किया, खाली 1-2 फोटोज़ लिया था मैंने मेरे, वो भी उम्रा अपना तवाफ कंप्लीट होने के बाद में मैंने लिया था, ठीक है। तो मस्जिद अल आयशा हरम से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है मस्जिद, हाँ, तो वहाँ पर जाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, या तो आप शेयरिंग टैक्सी पकड़ के चले जाओ, वो 5 रियाल आपसे लेंगे, ठीक है। और आपको फ्री में जाना है तो आपको हरम से ही सीधा सीधा चलते हुए जाना है आगे, वहाँ पे एक बस स्टॉप है, वहाँ पे 12 नंबर की बस मिलती है, ठीक है, जिसका ऊपर लिखा होता है मस्जिद अल आयशा, ठीक है, वो आपको फ्री में ट्रैवल करेगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से लेकर भी जाएगी और लेके भी आएगी, बट उसमें इशू क्या है मालूम है क्या, 1 घंटा लगता है, वो हर बस स्टॉप पर 5-5, 10-10 मिनट रुक करके वो आगे जाती है, आपका 8-10 किलोमीटर का रास्ता वो 1 घंटे में रिकवर हो रहा है, तो वो बहुत टाइम वेस्टिंग था। तो हमने टैक्सी करके हम वहाँ पे गए, वहाँ पर जाने के बाद में हमने अपनी वहाँ पे हमने शावर लिया,
ठीक है। फिर से हमने एहराम बांधा, एहराम बांध करके हम मस्जिद अल आयशा में 2 रकात नमाज पढ़े, नियत की, नियत करके फिर हम वापस से हरम गए। हरम में आप जब एंट्री करो, अगर आप ग्रुप में हो, जैसे हम ग्रुप में थे ना, अगर आप ग्रुप में हो तो एंट्री गेट्स के अंदर एंट्री करने से पहले ही आप ऐसे एक लोकेशन ऐसा बना लो कि अगर कोई हम मिसप्लेस हो गए ना तो हम यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हम वहाँ पे घूम गए, हरम के अंदर घूम गए या कहीं आगे पीछे हो गए ना, तो आप एक स्पॉट ये कर लो कि हम यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप एंट्री करना। और ऐसे मुझे तो मेरे घर वालों ने ऐसा बता के किया था कि ऐसा है भी कि पहली नज़र में जो दुआ हरम पे आपकी जब पहली नज़र पड़ती है ना, तो वो दुआ इंशाल्लाह कबूल होती ही होती है। तो मेरे घर वालों ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे मुझे कि सलमान, नज़र गेट से एंट्री करने से पहले ही नज़र नीचे कर लेना, ताकि तो हरम के एग्जैक्ट, और जब तू हरम के एग्जैक्ट सामने खड़ा होगा ना, तब नज़र ऊपर करना, ठीक है। तो हमने भी वैसे कोशिश की। पहले हम जाने के टाइम, हम जब अंदर घुस रहे थे ना, तभी असर की अजान हो गई थी, तो हमने हरम में ही असर की अजान नमाज पढ़ ली, तभी भी मैंने नज़र ऊपर नहीं किया था। फिर हम गए वहाँ पे हरम के सामने, और अपने आप का वहाँ पे काबू नहीं होता है। एक मैं अपने आपके एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आपको वहाँ पे आपने आप पे ही काबू नहीं होगा। मैंने वहाँ पे खुद तो तड़पा ही, मैं तो, मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था ना, गुना मैं बता नहीं सकता वो क्या है चीज़ थी, ठीक है। और मैंने दूसरों को देखा, 6-6 फीट के हट्टे कट्टे ऐसे लोग, वो लोग रो रहे, तड़प रहे, उफ क्या एक्सपीरियंस था वो, एकदम रिफ्रेशिंग, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतना बोलते ना, इतना सुकून कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जाने के साथ में, हमने दुआ करने के बाद में हरम को देख करके, जो पहली दुआ की जाती वो हमने दुआ कर करके हम वापस से हरम की तरफ गए। तवाफ शुरू करने से पहले हमने हरम के गिलाफ को पकड़ा, वहाँ पे हमने दुआ की, दुआ करके फिर हमने आगे गए। आगे जा करके हमने, मेरे और एक चीज़ यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं ना, मैं भी ऐसे ही करना था, मेरा भी थिंकिंग ऐसी थी कि मैं अभी जाऊँगा ना, 3-4-6 उमरा कर लूँगा सबके लिए, मेरे लिए भी कर लूँगा सबसे पहला, फिर सबके लिए, दूसरे लोग के लिए जो मेरे घर में जिनका इंतकाल हुआ है, ठीक है, जो हमें छोड़ गए, उनके लिए भी एहतिकाफ ये कर लूँगा, उमरा कर लूँगा, मेरा भी उमरा हो जाएगा, सबके लिए कर लूँगा। बट मैं जाने से पहले ना, मुझे घर वालों ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि सलमान तू भले एक ही उमरा कर, ठीक है, मगर आराम से कर, एकदम सुकून से कर, ठीक है। तो मैंने भी वही चीज़ दिमाग में रखी, मैंने हर जगह पे 5-5, 10-10, 15-15 मिनट वहाँ पे दिया, जैसे कि हमने गिलाफ को हाथ लगाया था, ठीक है, गिलाफ को पकड़ के हमने वहाँ पे दुआ की, वहाँ पे हम 5-10 मिनट रुके, 5-10 मिनट ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट हाँ 5-10 मिनट अप्रॉक्सली हम लोग वहाँ पे थे, दुआएं कर रहे थे। फिर उसके बाद हम तवाफ़ शुरू होने से पहले रोज़े अस्वद के सामने हम खड़े थे, ठीक है, वहाँ पे हमने उसको छूने की कोशिश की, अब पता नहीं मेरा हाथ लगा कि नहीं, इतनी रश होती है वहाँ पे, उफ, तो हमें पता नहीं कि मेरा हाथ वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे कोशिश की, फिर उसके बाद में हम, तब हमने अपना तवाफ़ शुरू किया, तो आप मक्के के जहाँ पे हजरत अस्वद रखा हुआ है ना, उसके एग्जैक्ट सामने ही आपको ग्रीन लाइट दिखेगी, वहाँ से आपको शुरू करना है अपने चक्कर लगाने, ठीक है। तो कोशिश करो कि उसी चक्कर के दौरान ही आप हर चीज़ की ज़ियारत कर लो, जैसे कि दरवाजे, मक्के का दरवाज़ा है उसे आप पकड़ लो, गिलाफ पकड़ के आप दुआ करो, जो भी हो उसी दौरान पे, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मैंने सही किया हो या गलत किया हो, बट अल्लाह मालिक वो कबूल करने वाली ज़ात सिर्फ वो है। तो फिर हमने वो किए, और उसी दौरान ना मेरे साथ जो 3 नमूने थे तीनों घूम गए, तीनों के तीनों गायब हो गए। अब मैंने अभी उनको ढूंढने तो मैं जाऊंगा नहीं, तो अपने उमरा हमने कंप्लीट किया, सॉरी हमने तवाफ़ कंप्लीट किया। तवाफ़ करने के बाद में हमने वहाँ पे हज़रत इब्राहिम के पैरों के निशान थे उसकी ज़ियारत की, पीछे जा कर के हमने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं जमज़म का पानी ना जी खोल के पियाऊँ, मतलब अगर आपके पास घर में होते, अब ऑब्वियसली सबके घर में जमज़म अगर होता है तो वो इतनी सी बोतल में होता है, तो आपको थोड़ा 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 सा पीना पड़ता है, मगर वहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पे लो जितना गिलास पीने का पियो, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना बेखौफ होकर मैं जमज़म पानी पियूँ, बेखौफ एकदम, जितना पीने का है पियो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में हम वहाँ से गए सफ़ा और मरवा की तरफ,
अभी तो वो पहाड़ी मतलब बोलते ना ऐसा प्लेन हो गया है, बट जब उस टाइम पे जब वो सिचुएशन हो रही थी ना, तब वहां पे वो उमरा वो लोग कैसे कंप्लीट करते होंगे, हमारे नबी के जमाने में वो लोग कैसे कंप्लीट करते होंगे यार, इतना बड़ा है। और पहाड़ को अभी वो लोग समझो, ये दो पहाड़ है तो इसके बीच में जो ये ब्रिज है ना, इन लोग ने इसको फिल कर दिया है ताकि आप यहाँ से वहां फटाफट जा सको, ठीक है। बट उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे तो ऐसा होगा, यू शेप में होगा, तो कैसा वो लोग करते होंगे यार, बहुत मुश्किल होगा। हमने सफा मरवा किया, सफा मरवा के वहां पे सफा से मरवा के बीच में एक बार आपको ग्रीन लाइट का एक ट्यूबलाइट्स लगी होती है ऊपर सीलिंग पे, जब वो ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है आपको भागना होता है, और जब वो ग्रीन लाइट खत्म हो गई तो आपको आराम से चलना है। ऐसे एक सफा के साइड में भी है, एक सफा से मरवा आप जाओगे तभी आपको एक पड़ेगा, और मरवा से सफा होगे तभी एक आपको पड़ेगा। वहां पे एक सफा से मरवा एक राउंड, ऐसे आपको 7 राउंड करना, सफा से मरवा, मरवा से सफा, तो आपके 2 राउंड हो गए। तो आपका जो 7वां राउंड खत्म होगा वो होगा मरवा पे। मरवा पे हम गए, वहां से हम बाहर निकले, हमने नमाज अदा की, फिर बात आई इन लोगों को ढूंढना था। तो अब हमने डिसाइड किया था, आप लोग के लिए भी ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपको ये करना है, कोई घूम घूम गया ना, सबसे बेस्ट स्पॉट है वहाँ पे 79 नंबर, 79 गेट नंबर, उसके सामने वहाँ पे आप लोग सब लोग वो डिसाइड करो कि वहाँ पे हम मिलेंगे। वहाँ पे ज़्यादा ये भी नहीं होता, वहाँ पे अच्छी जगह भी है, खाली जगह पे वहाँ पे आप मिल सकते हो, क्योंकि वो बहुत फेमस गेट है, वहीं से अभी एंट्री हो रही थी जब हम गए थे, तो वहीं से एंट्री हो रही थी। तो हमने वहाँ पे मिले, फिर बारी आई सर गंजा करने की, टकला करने की। तो और रेट आपको वहाँ पे बार्गेन करना ही पड़ेगा, आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ना नहीं बार्गेन नहीं करेंगे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको वहाँ पे बार्गेन करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक आदमी का सिर टकला करने के लिए वो लोग मांग रहे थे 15 रियाल, 15 रियाल, बाप रे। और हमने जब 4 जन थे हम लोग बार्गेन किए, तो वो आगे 5 रियाल पे, 5 रियाल पे हम लोग का सर उन्होंने ये किया, पूरा शेव किया, सोचो 5 5 रियाल में, कहाँ 15 कहाँ 5, 10 रियाल का फर्क। फिर उसके बाद में अभी पहला हम लोग का मतलब हम लोग जो थे, हम लोग 4 जन थे ना, हम लोग का ये डिसीजन था कि 2 उमरा करेंगे फिर हम मदीना शरीफ निकल जाएंगे। मगर दो पहला उमरा कंप्लीट होते होते हम लोग को रात के ना 3 बज गए थे, और जो हमारे को मदीना जाना था, मदीना मक्का से कम 500 किलोमीटर का फर्क है, ठीक है। और गर्मी आपको पता ही है सऊदी में कैसी होती है, तो हम बाहर जा रहे थे, टैक्सी वाले को हमने पूछे भी थे, तो काफ़ी लोग शेयरिंग में जा रहे थे, कोई प्राइवेट टैक्सी करके जा रहा था। तो हमें एक आइडिया है कि हम और एक जो आदमी हमें लेकर आए थे जद्दा से हरम पे मक्का में लेकर आए थे, उन्हीं को हम कांटेक्ट करते हैं। उनका नाम था, वो थे हमारे भाई पाकिस्तान से, उनका नाम था राबिल अहमद। राबिल अहमद भाई ने हमें चार्ज किया 850 रियाल, एंड अल्लाह का लाख एहसान है, ऐसे बंदे जल्दी मिलते नहीं है, ठीक है। हमें वो अचानक से मिल गए एयरपोर्ट पे जद्दा में, और अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई, तो उन्होंने 850 रियाल हमसे लिया। अभी लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लिया, कि इसने लोग काफ़ी लोग बोलते कम लिया, बट वो आदमी मतलब बोलते ना, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। उनसे हम लोग, वो हमारे होटल होटल के नीचे है हमारे, वो होटल के नीचे आए, होटल के नीचे आने के बाद में वहाँ से हमको ले गए मदीने शरीफ। मदीने शरीफ लेकर के गए, उस पहली बार ऐसा हमारी लाइफ में हुआ है, मैंने जितना ट्रैवल किया हूँ ना, फर्स्ट टाइम किसी ड्राइवर ने अपने कस्टमर्स को खाना खिलाया भाई। हमने जितने बार भी हमने ट्रैवल किया, दिल्ली राजस्थान, हम अपने ड्राइवर को खाना खिलाते ना, वो बंदा अजब ही था। उसने कहा कि हमको खाना खिलाया, बोले भाई तुम खाना खाओ सुबह 7 बजे, और जो खाना उसने खिलाया हुए मदीने में जाओगे आप, और सिर्फ दाल खाना, दाल और वो अपना तंदूरी रोटी, उफ इल्लल्लाह हो जाएगा मसला। मदीने का सफ़र भी बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत, ठीक है। रात का समय था। अब मैं आपसे लोग को यही टिप दूंगा कि अगर आपको जाना भी है तो रात के समय निकलना, रात के टाइम पे आप फजर के नमाजों का टेंशन नहीं होता रुकने का, फजर में आपको रुकना होता है, रात का सफ़र भी हो जाता है, दिन का सफ़र कंप्लीट नहीं होता, जल्दी बहुत तकलीफ़ होती है, और गर्मी भी बहुत होती है। तो हमने वहाँ से मक्के से लेके मदीना गए रात ही के समय, फजर फजर भी रास्ते में ही हो गई हमारी, ठीक है। वहाँ पे मदीने में हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ पे हम मदीने गए। मदीने में जाके हमने
हमारे जियारत किए नबी की, वहाँ पे जा कर के काफ़ी टाइम स्पेंड किए। वो फीलिंग एकदम अलग थी यार, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था ना कि इतना गुनहगार हूँ मैं, इतना गुनाह करता हूँ, इतना भटकता रहता हूँ, गाली गलौज चलती रहती है, मस्ती मजाक चलता रहता है, फिर भी अल्लाह ने हमें ये मौका दिया। अल्लाह का लाख एहसान है हम पर। वहाँ पे हमने अपना टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा, ठीक है, नमाज वगैरह वहाँ पे अदा की। वहाँ से खजूर ले लिए, अजवा खजूर हमने वहाँ से खरीदे। अजवा खजूर भी वहाँ पे था, काफ़ी सारी वराइटीज़ आपको वहाँ पे खजूरों की मिलेगी, काफ़ी सारी वराइटीज़ मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आप खुद कन्फ्यूज हो के लेना क्या है। बट ऐसा बोला जाता है कि अजवा खजूर जो है हमारे नबी के फेवरेट थे, तो वो और उन्होंने अपने हाथ से वो दरख्त लगाए थे। तो अजवा खजूर हमने लिया, फिर हम वापस से मदीने से फिर मक्का आ गए। मक्का आने के बाद में फिर हमने दो उम्रा कंप्लीट किया, और दो उम्रा हमने किए। एक तो मैंने अपनी बहन के लिए किया जिसका इंतकाल हो गया था पिछले रमज़ान में, पिछले रमज़ान ईद के बाद में हुआ था, तो उनके लिए मैंने किया। और उसके बाद में मेरे दादाजी के लिए मैंने एक उम्रा किया, तो मेरे टोटल तीन उम्रा किए। और फिर वहाँ से हम, और एक चीज़ हमें परेशान करी थी कि हम जमजम कैसा लेके जाएंगे, क्योंकि ले वहाँ से जमजम भर के लेकर जाना वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ले लगेज में डालना कभी खुल खाल गया तो मुश्किल। तो फिर हमें जो हमारे ड्राइवर थे ना, उनसे ही हमें बात, उन्होंने पहले हमें बात बता चुके थे, हमारे ध्यान में थी ये बात कि जद्दा एयरपोर्ट पे ही आप जमजम पानी खरीद सकते हो, वो आपको पड़ेगा 8.5 रियाल का, ठीक है, सील पैक होता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अभी भी है। तो ये होता है जमजम का पानी वहाँ पे, तो जद्दा एयरपोर्ट पे आपको देते हैं, ठीक है। इसका ये 5 लीटर का कैन होता है और इसका प्राइस होता है 8.5 रियाल, ठीक है, आपको वहाँ से लेना है, वही बेहतर होगा आपके लिए लेने के लिए, ठीक है। और ऐसे करके हम फिर वापस से कुवैत आ गए। हमारा 3 दिन का ट्रिप था, 3 दिन में हमने तीन उम्रा कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मदीने की जियारत कर ली। और भी जगह हम घूम सकते थे, जाना तो था बट घूमने का इतना टाइम नहीं था, 3 दिन में क्या ही करोगे आप। तो ऐसे करके हमने अपना ये कंप्लीट किया। पॉइंट्स क्या है आपको उम्रा पे जाने से पहले, आपको पॉइंट्स क्या करना है? पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने की चीज़ है वो है, सबसे पहले आप अपना जो होटल है, एजेंट वगैरह है, ठीक है, उनसे कोऑर्डिनेट प्रॉपरली करो, हर एक चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है उनसे पूछो कि आप हमें ये प्रोवाइड करोगे नहीं करोगे, या आप ये का आप एयरपोर्ट से लेके मदीने तक, एयरपोर्ट से लेके मक्के तक जो आप ट्रैवल आप हमें दोगे, या हमें अपना प्राइवेट करना है, या मक्के से मदीने तक आप हमें दोगे या हमें अपना प्राइवेट करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में काफ़ी ऐसे केसेस सुनने के लिए मिलते हैं कि आपको आपका जो एजेंट है वो बहुत परेशान करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास में हर एक इमरजेंसी नंबर आपको रहना चाहिए, आपके पास में लाजिम होना चाहिए, ठीक है, कभी भी रास्ते में कुछ भी हो सकता है, एजेंट परेशान कर सकते हैं या कुछ हो सकता है, तो आपके पास में आपके नंबर्स होने चाहिए, जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, पुलिस का हो गया या फिर इमरजेंसी अपना एम्बुलेंस नंबर हो गया या कुछ भी हो गया, या आपके पास हज जो मक्के शरीफ के जो अथॉरिटीज़ है उनके नंबर्स वहाँ पे लिखे भी होते हैं, तो आपको वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप प्लान आउट करके प्रॉपरली जाओ। जैसे मैंने क्या किया, प्लान आउट नहीं किए थे, बस जाना है निकल गए, और हुआ भी ऐसे ही था। हमको 7th को पता चला कि हम जा रहे हैं, ठीक है, और 9th को हमें जाना था, तो एक इसमें क्या ही प्लान आउट करोगे, और ऊपर से बीच में ड्यूटी भी हमें जानी है, शॉपिंग भी करना है, ठीक है। तो वो आपको प्लान आउट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, प्लान आउट करके ही जाओ, ठीक है। और उसके बाद में सिम कार्ड, अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो ही सिम कार्ड खरीदना, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आप जा रहे हो तो ही सिम कार्ड खरीदना, तभी आपका पैसा है का फ़ायदा होगा, नहीं तो आपके पैसे के फ़ायदे नहीं होंगे। 3 दिन के लिए होटल में वाईफाई होते हैं, आप वो यूज़ कर लो, ठीक है, और बहुत महंगा है सिम कार्ड है, 80 रियाल का, ठीक है, 40 रियाल, 60 रियाल, और उसमें अलग अलग प्लान्स भी आते हैं, कोई 2 हफ्ते का होता है, कोई 1 महीने का होता है। तो आप ऐसे सिम कार्ड पे पैसे, अगर 3 दिन के लिए जा रहे हो तब तो मैं बोल रहा हूँ कतई मत खरीदना,
ठीक है, कतई नहीं लेना, ठीक है, और आराम से उमरा करो, एकदम आराम से उमरा, एकदम बोलते ना सब घाई घाई में नहीं, एकदम बड़ा जल्दी खत्म करने का नहीं। मेरे को मेरा फर्स्ट उमरा जो था वो तीनों उमरा के लिए मुझे लगभग 3 घंटा लगा एक उमरा कंप्लीट करने के लिए, एक उमरा कंप्लीट करने 3-3 घंटा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक भी बहुत होती है, आराम से धक्कम धुक्की मत करो, काफ़ी देश के लोग वहाँ पे आते, ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पे लोग आते, तो आपको भी अपने आप को संभालना है, ठीक है, धक्कम धुक्की मत करो। अगर कुछ हो भी गया तो वो क्या तुमको गाली भी देगा, तुमको समझ में नहीं आने वाला। हरम में तो कोई कुछ नहीं बोलता, हरम में धक्का भी लग गया तो हाँ भाई हल्ली वल्ली उमरा कर रहे हो जाता है, ठीक, मगर बाहर अगर धक्का धुक्की हो गई ना हरम के बाहर में, वो क्या बोलेगा तुमको नहीं समझेगा, तुम क्या बोलेंगे उसको नहीं समझेगा। और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सामने वाले को इंग्लिश ही नहीं आती, क्या करेगा। तो आराम से अपना काम करो, ख़त्म करके वहाँ से निकलो, ऐसा कुछ मत करना जो हरम में अपना सऊदी अरब में इलीगल हो या वहाँ पे पुलिस को तकलीफ हो। बोले सऊदी अरब का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे सामने ही 2-3 जन को लोग ने गाड़ियों में डाल कर ले गए। तो मत करना, कचरा वचरा रास्ते पे मत फेंकना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। शायद से आपको ये जो वीडियो है मेरी कहानी, मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आज तक कोई भी ट्रिप के वीडियोज़ नहीं आए, और ये चैनल ही मैंने ट्रिप्स के लिए बनाया था, और मैं इस पर ब्लॉगिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, देखा जाएगा, इंडिया जाने दो बस मुझे। और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है, लाइक करो, वीडियो कंप्लीट देखो, स्किप मत करा करो यार, और पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देखो, वो भी ब्लॉग्स है, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम हबीबी।